So, कुछ दिन पहले आपका भाई OLX पे मस्त टाइम पास कर रहा था और मुझे मिलता है iPhone 10 20,000 रुपए लिखा हुआ था भाई, और काफी ज्यादा निगोशिएशन करने के बाद 14,000 रुपए लेके आए क्योंकि इसमें एक बहुत ही अच्छा डिजाइन बना हुआ था और डिजाइन कुछ ऐसा था। मैंने बोला क्यों ना भाई दो कंटेंट बनाया जाए, ट्राइंग iPhone 10 आफ्टर सो मेनी इयर्स, और इसको रिपेयर करवाने जाएंगे तो आपको बताएंगे भाई आईफोन की रिपेयरिंग कॉस्ट क्या होती है आजकल, क्योंकि आपका भाई ऑलरेडी iPhone 12 भी अपना प्राइमरी फोन यूज कर रहा है, iPhone 10 में कोई सिम नहीं डाला मैंने, लेकिन जो इनका इकोसिस्टम वाला इंटीग्रेशन है वो ऑटोमेटिकली हुआ। जैसे कि मैं अपने iPhone 12 पे कॉल कर रहा हूँ अभी वरुण के फोन से, और देखो इसके अंदर भी कॉल आ रहा है और यहाँ से मैं इसको उठा सकता हूँ। हेलो भाई, क्या हाल चाल, सब्सक्राइब टू टेको। बहुत ही छोटा सा फीचर है लेकिन ऐसे इंटीग्रेशन के थ्रू मैंने इस फोन को यूज किया है और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी इसकी सफाई कर लेते हैं, और फोन काफी अच्छे कंडीशन में है एक्सेप्ट दिस लिमिटेड एडिशन डिजाइन। सबसे पहले आगे के डिजाइन को साफ करते हैं भाई। कांच नहीं अटक जाए टॉवल ना, ना कोई नहीं होगा। थोड़ी सी सफाई और इतना सही चमक गया। आईफोन की बिल्ड क्वालिटी भाई नेक्स्ट लेवल है। सस्ता सा कॉलिंग की सफाई है इसकी। फोन सेटअप करने के बाद इसका फेस आईडी भी बहुत फास्ट काम कर रहा है, एग्जैक्टली एकदम आईफोन 12 की तरह। अगर आप देखो तो फेस आईडी के साथ साथ अभी मिलने वाले 30,000 वाले एंड्रॉइड फोन के साथ, जैसे कि ये मेरे पास रियलमी X7 मैक्स है, बिल्ड क्वालिटी की बात करूं डेफिनेटली आईफोन 10 इससे मच बेटर है। आपको यहाँ पे जो इसका फ्रेम है अभी भी स्टेनलेस स्टील का है, ये स्टेनलेस स्टील आईफोन 12 के एल्युमिनियम बॉडी से भी ज्यादा अच्छा है। कॉम्पैक्ट साइज का बहुत ही प्रीमियम फोन लगता है ये। आईफोन 12 यूज करता हूँ, इसके अंदर A14 बायोनिक है भाई, बहुत फास्ट चिपसेट है। आईफोन 10 में A11 बायोनिक और इसकी परफॉर्मेंस भाई अभी भी बहुत अच्छी है। BGMI खेलते हैं इस पे जब तक अपने बैटल ग्राउंड लोड हो रहा है। क्या आपने कभी कॉम्पिटेटिव गेमिंग फील्ड बैटल दिया है? इसके लिए मैं बात करूं अनअकैडमी कॉम्बैट की, जिसमें आप खेल के स्कॉलरशिप मेरिट सर्टिफिकेट अप टू 1 CR का आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो। अनअकैडमी कॉम्बैट में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू फ्रेम क्वेश्चंस होंगे बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में। जैसे पबजी में होता है ना रियल टाइम लीडर बोर्ड मिलता है, वैसे आपको यहाँ पे भी रियल टाइम लीडर बोर्ड मिलेगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन का आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाला है। और अगेन अगर आप टॉप परफॉर्मर हो तो आपको मेरिट सर्टिफिकेट और 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और इस बैटल में कॉम्पीट करने के लिए आप 6-12 के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप कॉम्पीट कर सकते हो। पूरा फ्री लाइव टेस्ट है, टोटल 30 क्वेश्चन 45-60 मिनट में आपको सॉल्व करना है। क्लास 6-8 का टाइमिंग है 12 बजे, क्लास 9-10 का 11 AM है, और क्लास 11-12 का टेस्ट टाइमिंग है 1 बजे। तो जाओ जाके पार्टिसिपेट करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप जाके चेकआउट करो। मेरा रेफरल Tech1 यूज करोगे आप तो अनअकैडमी आइकॉनिक और प्लस में आपको 4 महीने का और एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, तो मतलब टोटल 16 महीने। जाके चेकआउट कर लो, उससे पहले ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो अपना BGMI ऑन हो चुका है, थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं। उससे पहले ग्राफिक्स दिखाता हूं आपको। 2017 का प्रोसेसर है और इसके अंदर HDR अल्ट्रा हाई सेटिंग सपोर्ट कर रहा है, और स्मूथ पे आपको एक्सट्रीम तक जाता है, तो आप आराम से HDR अल्ट्रा पे खेल सकते हो और बिल्कुल भी लैग नहीं करता। अब खेल दिखाता हूं। ये दो किल गया कहां? बोला उसका किल नहीं मिला। ओ भाई किल नहीं मिला यार। मुझे बैठ के मारेंगे चुपचाप आने दो। देख लिया उसने, देख लिया देख लिया था यार, मैं बैठ गया था वहां पे। एक किल तो ले ले चुपचाप। ये चुप 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 भाग भाग भाग। ओ भाई मजाक के बाद साइड में भाई फोन थोड़ा सा हीट हुआ यहाँ से कैमरे के साइड से, अदरवाइज फोन की परफॉर्मेंस एकदम नेक्स्ट लेवल थी। HDR अल्ट्रा के हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, इतना पुराना फोन है भाई। थोड़ी सी फोटो ले लेते हैं भाई, बाहर आके कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। और इसके कैमरे में OIS भी है तो वीडियो बनाएंगे। अभी भी इसका शटर स्पीड देखो कितना फास्ट है। इसने ले लिया है 50 फोटो इन 10 सेकेंड, 100 फोटो भाई कब रुकेगा ये? बस करते हैं, मैं थक गया भाई, फोन नहीं थका। कैमरे में फोटोज का परफॉर्मेंस भी बहुत स्मूथ है इसका। अभी हम लोग थोड़ा सा गार्डन टूर करने वाले हैं, तो आपके लिए मैं गार्डन व्लॉग बनाता हूँ इसके वीडियो कैमरा से। वीडियो बनाने का पहला रूल, कैमरा साफ कर लेना चाहिए। फोन में वाइड एंगल कैमरा नहीं है, एक मेन सेंसर है और एक पोर्ट्रेट सेंसर है। और अगर मैं पोर्ट्रेट सेंसर की बात करूँ तो मैं पर्सनल फेवरेट है वो आईफोन 12 में भी पोर्ट्रेट सेंसर नहीं है इसका, और पोर्ट्रेट फोटोज दिखाएंगे आपको। अभी व्लॉग बनाते हैं। तो अभी आप फुटेज देख रहे हो आईफोन 10 की, और पूरा पूरा आवाज भी इसी से रिकॉर्ड हो रहा है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो फोकस काफी सही करता है और कलर्स भी से काफी नेचुरल से लग रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं वॉक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है। ज़ूम इसमें मैक्सिमम आपको 6x मिलता है। आपने इसकी वीडियो फुटेज चेक की, इतना पुराना आईफोन इतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी दे रहा है कि आप अभी भी इसको अपलोड कर सकते हो और वीडियो क्वालिटी आपकी अच्छी कहलाएगी। तो कंटेंट क्रिएटर जितने भी हैं स्टार्टिंग के लिए ये फोन कंसीडर कर सकते हैं। और कंपैरिजन के लिए अपने पास आईफोन 12 भी है और डिफरेंस सच में काफी दिख रहा है।
ऑब्वियसली बात है आईफोन 12 में मच बेटर फोटोज आई हैं, लेकिन इस सेल्फी को मैं खराब बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूँ। थोड़ा सा ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन भाई डिटेलिंग से लेके पूरा जो फोटो का फील है ना वो बहुत अच्छा है। अभी थोड़ी मॉडलिंग कर लेते हैं, ले लेते हैं पोर्ट्रेट फोटोज। ये पोर्ट्रेट सेल्फी काफी अच्छी आ रही है, और अगेंस्ट लाइट रहोगे तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी, लेकिन ये फोटो बहुत कमाल की आई है। और अगर बात करते हैं एक्सपीरियंस की, जैसे कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट, तो अभी भी इस फोन के अंदर 15.2 का अपडेट चल रहा है, और ये 15.2 सेम मेरे आईफोन 12 में चल रहा है, और इस वजह से ये आईफोन इतना पुराना नहीं लगता है। मैं जस्ट स्विच किया मैंने आईफोन 12 से इसके ऊपर, और बिल्कुल भी डिफरेंस दिखा नहीं। और अगर डिस्प्ले की बात करें, पहला आईफोन था जिसमें ओलेड पैनल था भाई, और ये ओलेड पैनल मतलब वही सेम एमोलेड पैनल, और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और आईफोन 12 के सामने इसकी डिस्प्ले बिल्कुल भी कम नहीं है भाई, आराम से इसको मैं यूज कर सकता हूँ, और एक्सपीरियंस एग्जैक्टली सेम रह रहा है। आउटडोर में भी कोई इशू नहीं हुआ, तो डिस्प्ले एकदम अमेजिंग है इसका, और फ्लैगशिप लेवल का अभी भी। कैमरा में 4K 60 FPS का भी सपोर्ट अभी तक इसके अंदर मिल रहा है आपको, और इसमें आप आराम से यूज कर सकते हो। सेल्फी में 1080p जिससे काम चल जाएगा आराम से आपका। और हैप्टिक से कैटेगरी में इसके अंदर आपको 3D टच मिलता था। आपको दिखाता हूँ 3D टच क्या होता है। ऐसे आपको प्रेस एंड होल्ड किया, यही सेम चीज आपको आईफोन 11 और 12 में हैप्टिक्स के नाम से जानी जाती है, और ये 3D टच भी बहुत ही कमाल है भाई। और इसका हैप्टिक्स मोटर हर एक चीज में रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा करता है, मतलब कि एक्सपीरियंस एकदम अमेजिंग रहता है। लेकिन दो चीज है जिसमें आपको डाउनग्रेड मिला है आपको। सबसे पहला इसका स्पीकर है, एक बार गाना बजाते हैं भाई अपना। ये फुल वॉल्यूम है, भाई मेरा फेवरेट गाना है। आईफोन 12 से कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार। डेफिनेटली बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके अंदर आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, लेकिन आईफोन 12 में डुअल स्पीकर है, नीचे भी और ऊपर भी। स्पीकर थोड़ा सा पुराना वाला है। दूसरी बात, इसकी बैटरी, पुराने आईफोन्स की बैटरी ड्रेन ज़्यादा जल्दी होती है, तो इसकी बैटरी लाइफ अराउंड 3 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देती है, जो कि अभी थोड़ा सा कम आप कह सकते हो इसको। लेकिन अगर मैं इसका बैटरी रिप्लेस करा लूँ, और जो इसका एक्सक्लूसिव डिज़ाइन है इसको चेंज करा लूँ, जो कि मैं कराने वाला भी हूँ, तो ये फोन डेफिनेटली एक फ्लैगशिप लेवल का फोन बन जाएगा। और जो अभी इसका एक्सपीरियंस है डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और मुझको यूज करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि पुराना फोन यूज कर रहा हूँ, या फिर कोई ऐसा 4 साल पुराना एंड्रॉइड फोन यूज करूँ तो डेफिनेटली मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। तो ये था मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस 2017 के आईफोन के साथ। डेफिनेटली आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको आईफोन 10-20 के राउंड में मिल रहा है भाई, और अगर फोन का कंडीशन अच्छा है, तो डेफिनेटली उसको कंसीडर करो। और बस इतने ही रखते हैं इस वाले वीडियो के लिए। आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा। पसंद आता तो आपको क्या करना भाई, लाइक करना इस वाले वीडियो को, सब्सक्राइब करना इस वाले चैनल से, और मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में। हमारे शॉर्ट चैनल को आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।